मैं आज एक प्योर बंगाली रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसको बोलते हैं, इसको देखिए मेरा करंट चला गया, ठीक है। इसको बोलते हैं उच्छेर घंटो। उच्छेर घंटो इसका जो स्पेशलिटी है ये है, इसमें कुछ भी मसाला हम लोग नहीं डालते हैं, और जो भी थोड़ा सा डालते हैं वो बिना पीसे हुए है, मतलब ऐसा साबुत डालते हैं। तो इसके लिए पहले जो डालूंगी मैं वो है ये काला सरसों, ठीक है। कढ़ाई मैंने लगाया है, हाँ मैंने डाल दिया, काला सरसों डाली हूँ, और सबसे अहम चीज़ 2 चुटकी हींग, ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये सरसों के साथ, हींग के साथ, और ये जो है कुटी हुई अदरक, पीसे नहीं है, कुटी हुई अदरक होना चाहिए इसको। अब जब और एक, हाँ एक चीज़ मैंने लाना भूल गई, ये है एक सूखी मिर्च, ठीक है, उसको भी फाड़ के मैंने दे दी, सूखी मिर्च, बस इतना ही। इसमें और कुछ भी मसाला आपको डालना नहीं है। इसको अच्छा से थोड़ा फ्राई कर ले, क्योंकि कच्चा अदरक है ना, तो उसको थोड़ा फ्राई करना ज़रूरी है। और ये हो गया, अब जब ये फ्राई होने लगे तो इसमें मैं डालूँगी ये जो हम लोग उच्छे बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हो, करेला, हाँ करेला, मैंने ये छोटा छोटा करेला काट के रखा था। अब देखिए ये मेरे जो रूफ गार्डन है वहीं से उगाया हुआ है, थोड़े थोड़े सब कुछ सब्जी मैं कर लेती हूँ, ऊपर ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ। ये मैंने डाल दी, और ये आपका स्वाद अनुसार जरा नमक डाली हूँ, थोड़े से नमक डाली हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा हल्दी भी डाल दी हूँ, बस इतना ही। हाँ इसको अभी मैं अच्छे से फ्राई होने दूँगी, ये अच्छे फ्राई होना ज़रूरी है, अच्छे से फ्राई होना ज़रूरी है। इस बीच मैं ये घंटे में डालने वाली जो हम लोग का बंगाली सीक्रेट है चीज़, उसको तो मैंने कल से बना के रखी थी, क्योंकि इसमें जल्दी हो जाता है, तो इसको होने दीजिए, मैं आपको उसे कैसा बनाना है वो बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका चने के दाल से बनता है ये। इसमें आप 1-2 घंटा उसको भिगो के रख दिए चने को, दाल को 1 मुट्ठी भर, और जब वो भीग जाए तो उसमें 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग और 1 टुकड़ा अदरक, ये तीनों मिला के अच्छे से पीस लीजिए, पूरा एकदम फाइन करके पीस लीजिए। फिर नमक डाल के, 1 चुटकी नमक डाल के खूब से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आपका जो सूखा तवा होगा या कढ़ाई होगा, उसमें 1 चम्मच तेल डाल के उसको आप रोटी को जैसे डालते हैं ना, वैसे उसको डाल दीजिए, ठीक है, और डाल के एकदम सिम में उसको पकाते रहिए, जब तक कि वो आपके तवे से उठने ना लगे। कच्चा 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 मत उठाइए, उसको होने दीजिए, चाहे तो आप ढक भी सकते हो। अब हो जाने के बाद वो ऐसा अपना से वो उठ के आने लगेगा, जैसा उसका ऐसा थोड़ा सा ये पक जाएगा तो अपना से वैसा अपना जगह छोड़ के उठने लगेगा, तब उसको आप उठा लीजिए और ऐसा बड़े बड़े पीस में आप उसको रखिए। इसको बाद में हम लोग यूज़ करेंगे, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है घंटों का। ये घंटों जो होता है एकदम पक्का बंगाली चीज है, पता नहीं और किस स्टेट में ये बनता है कि नहीं। जरा तेल डालो, कम हो गया है, मैं होती तो और तेल नहीं डालती, इसको आराम से पकने देती, लेकिन आपका वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे मालूम मैं क्या करते हूँ, आप लोग स्किप करके ठान ठान के देखते हो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ ना, तो
इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। फिर उसमें मैं डालूँगी तेज पत्ता, डालना भूल गया, तेज पत्ता ज़रूर डालिए, उससे स्मेल होता है। मैं अभी डाल दूँगी, थोड़ा सा तेल साइड में लगा हुआ है उसमें पक जाएगा वो। थोड़ा सा तेज पत्ता एक डालिए। मेन चीज़ उसमें आपको सरसों, जो लाल सरसों होता है वही डालिए, क्योंकि वो और अदरक और हींग मिला के और ये तेज पत्ता, सूखा लंग मिर्ची, ये सब मिला के एक अच्छा सा स्मेल आने लगेगा। और ये घंटों में वही खासियत है, वो स्मेल बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, मैं थोड़ा सा आलू बैंगन छोटे छोटे काट के रखी है, आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा कद्दू भी मिला सकते हो, हम लोग मिलाते हैं, आज मेरे पास है नहीं तो मैं स्किप कर रही हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर पसंद ना हो तो मत डालो। आलू बैंगन सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो डालो, पसंद है तो, ना तो न डालो, न डालने से भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब घंटों है ना, उसमें उसका स्पेशलिटी होता है उसे कम से कम 5 सब्जी डालना है, और एक से भी बनता है तो उसका क्वांटिटी ज़्यादा होना है। तो मेरे पास सब थोड़े थोड़े फ्रिज में पड़ा था, हाँ, और मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ, तो मुझे यही सूझा कि मैं ये बना लूँ, ताकि मेरे सूखे हुए सब्जी भी काम में आ जाए। देखिए ना, बैंगन पूरा सूखा हुआ है, लेकिन देखिए जब फाइनल हो जाएगा ना, तब यही बात करने लगेगा फिर। तो अच्छे से फ्राई कर लीजिए, और फिर फ्राई करके इसको थोड़ा पानी डालना है। अब मैं इसको पानी डाल दी हूँ, पानी डाल के इसको मैं 10 मिनट तक थोड़ा स्मूथ होने दूँगी, ठीक है। और इसके बाद ही असली इसका मज़ा बनेगा। 10 मिनट तक इसको मैं बॉईल करूँगी। और एक चीज़ देखिए, इसमें ऐसे कुछ नहीं मैं डालती हूँ जो कि सेहत के लिए ख़राब हो, ना तो ज़्यादा तेल, ना तो कोई मसाला, कुछ नहीं डालते हैं। पर फाइनली जब इसको आप सूखे राइस के साथ हो या रोटी के साथ हो खाएंगे ना, बड़ा मज़ा आता है। हाँ, लास्ट में थोड़ा घी डालना है। अब हमारे घर में तो घी ज़्यादा चलता नहीं है सेहत के कारण, तो मैं देखूँगी फ्रिज में अगर पड़ा है तो थोड़ा सा घी डालूँगी। आप लोग के पास हो तो घी ज़रूर 2 चम्मच डालिए, उसमें बड़ा मज़ा आता है। इसमें तेल कम लगता है, लेकिन उतरते समय घी डालिए ज़रूर, ठीक है। हाँ, तो पानी जब ऐसे सूख जाए, मतलब अच्छा थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला रहे आपका सब्जी, उसी समय ये जो चने के दाल से बनाया हुआ है, इसको आप ऐसे टुकड़े में डालिए, छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए। और फिर क्या करेंगे, इसको आप हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से चला चला के उस पानी को सुखाइए। थोड़े से पानी बचना ज़रूरी है, नहीं तो ये दाल का जो बना है चापड़ी, हम लोग इसको चापड़ी बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम होता है, ये जो करी मैं बना रही हूँ इसका नाम होता है उच्छे चापड़ी बोलते हैं। ये मैंने अपने सास से सीखी है, और उनका वो जो रसोई करते थे, उनका स्पेशलिटी होता था कि वो तेल मसाला बिल्कुल भी नहीं डालते थे, बहुत कम, बस जितना में कढ़ाई या सब्जी आपको जले ना उतना ही डालते थे, हाँ। और इसीलिए मतलब उनका यही मोटो होता था कि हर सब्जी का अपना टेक्सचर, अपना टेस्ट और अपना जो जूसीपन होता है, वो आपका करी में सही सही निकले। हम लोग ज़्यादा फ्राई करेंगे और मसाला डालेंगे सब्जी में, तो आपका वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। एक तो विटामिन्स ख़राब होता ही होता है, विटामिन्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बाद जो होता है वो सब्जी का अपना रंग, अपना निखार, अपना टेस्ट, अपना जूसीपन वो बरकरार रहता है, ऐसे आप पकाएंगे तो। इस मतलब इस सब्जी को मैं बोल रही हूँ, हर एक सब्जी को तो ऐसा नहीं पकाया जाएगा,
करेला में अपना उसका बहुत गुण होता है, वो आपका इसमें भरपूर मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना भी फ्राई नहीं करते हैं कि वो ख़राब हो जाए, उसका जो गुण होता है मेडिसिनल क्वालिटी जिसको बोलते हैं वो ख़राब ना हो। और देखिए मेरा ये जो दाल का बना था चापड़ी वो अब थोड़ा थोड़ा नरम हो गया है। इसी स्टेज में आप क्या करो, उसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के मिला दो सब्जी में। अगर आप उसको साबुत खाना चाहते हैं तो आप साबुत रख सकते हो, बच्चे पसंद करते हैं साबुत खाना। ऐसा इसको भी चला चला के ज़रा मिक्सअप कर दीजिए, हाँ मिला दीजिए ठीक से। और फिर डालिए इसमें जो इसका जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है थोड़ी सी घी। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इतना ही बचा था तो मैंने इतना ही डाली हूँ। आपके पास हो और आपका चलता हो तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हो, नहीं फ्लेवर बनता है। ये हींग और लाल सरसों, अदरक और फाइनली ये जो आपका घी डाली हूँ ना, बड़ा अच्छा सा खुशबू आता है, मतलब ये बंगाली खुशबू है, पता नहीं आप लोग को पसंद आएंगे कि नहीं। अब ये पूरा हो गया, आप इसको पूरा गिल्ट फ्री होके आराम से गर्मा गर्म भात राइस के साथ खाइए। हम लोग तो भात के साथ ही खाते हैं, बंगाली है, रोटी के साथ भी खाइए, पराठे के साथ भी खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।